मेरे चेहरे का नूर देखिए, मेरे चेहरे की चमक देखिए, खुशी देखिए, इतनी आभा सिर्फ साहित्य आज तक में हो सकती है, कहीं और नहीं। जिस तरह से ये चैनल साहित्य को समझता है और जिस तरह से ये चैनल जो लिटरेरी स्टार्स हैं इस देश के उनको मौका देता है, उनको बड़ा मंच देता है। आप प्रभात जी हैं हमारे प्रकाशक, जिनके साथ मेरी पुस्तक अभी भी छपी जो मेरी नस नस में है, माँ मातृभूमि और मोहब्बत। प्रकाशकों के लिए, लेखकों के लिए, वक्ताओं के लिए, लॉरेट्स के लिए इससे बड़ा मंच हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है, और बहुत बधाई आज तक को इसके लिए। मैंने ये वादा किया है कि जब तक भगवान श्री राम मेरी लेखनी में स्याही देते रहेंगे, मेरे मन को प्रेरणा देते रहेंगे, तब तक मैं भगवान राम पे लिखता रहूँगा। अगर अतीत में कुछ गलतियाँ हुई हैं, जिसमें कोई अगर नहीं है, वैसे गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को सुधारने का तरीका क्या है? लिखना छोड़ दूँ ये तो तरीका नहीं है, तरीका ये है कि कुछ और बेहतर लिखा जाए, भगवान श्री राम के चरणों में कुछ ऐसा अर्पित किया जाए जो इससे पहले ना हुआ। फिलहाल तो हम लोग की सिर्फ अभी एंट्री हुई है, तादाद में जो लोग हैं यहाँ पे काफी उत्साहित दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा कुछ उत्साह भर पड़ गया है। पहले भी पहले कभी नहीं आया यहाँ पे, पहली बार है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी अभी बहुत खुशी हो रही है कि उस पूरे सीरीज को बहुत प्यार मिल रहा है, और हमने हमारी जो कोशिश है उसका रंग दिख रहा है, और इसमें बड़ी खुशी हो रही है। यूथ ही नहीं, मतलब हर प्रकार के लोगों को जुड़ना चाहिए साहित्य से। अलग अलग प्रकार के साहित्य हैं, तो किताबें हैं, सभी कुछ लेखन से ही उत्पन्न होता है, चाहे वो फिल्म हो या नाटक हो, जरूरी है कि उसे वाकिफ हो लोग। बस अभी ट्रैक लंबी है रेलवे ट्रैक, देखते हैं कहाँ 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 पहुँचते हैं। अरे बड़ा मजेदार है, रंगारंग कार्यक्रम है, बड़ा मजा, असल सेलिब्रेशन है लाइफ का सारा। मैं यहाँ पर दिमाग भूल के आता हूँ, सेशन सुनने आता हूँ, कोई इंटेलेक्चुअल हैंगअप्स नहीं है, कोई मेरा दिमाग काम नहीं करते आने के बाद में। मैं आके जो सुनता हूँ, अंजना से बात करता हूँ, श्वेता से बात करता हूँ, पुराण संजीव पालीवाल में पुराण दोस्त हैं, इनसे बात करता हूँ, ललन टॉप वाला सौरभ द्विवेदी से बात करता हूँ, यहाँ पर बैठ कर देखता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ। और ये सेशन एंजॉय करने के लिए होते हैं, इसमें जो है दिमाग घर पर छोड़ कर आना चाहिए दरअसल। अरे यार बहुत साहित्य में यार ये लोग बड़े बड़े बहुत बहुत ताकतवर लोग हैं, इस जनरेशन को कम समझ के मत आंको, ये बहुत तीखी है, इनको जो एक्चुअली मिलते नहीं है, माल मिलता नहीं है, इनको गुलाल चाहिए, इनको गैंग्स ऑफ वासेपुर चाहिए, इनको बढ़िया फिल्में चाहिए, वरना ये बोलते हैं इनके पास माल कम तो है नहीं देखने के लिए, आप नहीं दोगे तो कुछ और देखेंगे, गंदा माल देखेंगे। तो इसलिए जो है इनको जो है उलझाए रखो, बढ़िया माल देते रहो, बढ़िया चीज़ों में व्यस्त रहें ये लोग, तो जो है ये काफ़ी काम के हो सकते हैं, वरना फिर खतरनाक कौन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।